प्रदेश में भारी बारिश के कारण नर्मदा तटीय क्षेत्रों के ग्रामीण जनों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 20 फीट ऊपर बह रही है। देवास जिले के खातेगांव तहसील के गांव कोटखेड़ी, रेवातीर, सिरालिया, मिर्जापुर, तपखान, इमली घाट, मेल पिपलिया, कड़ा, रजौर, नैमावर बाढ़ से 25 गांव से अधिक प्रभावित हुए हैं व 300 से अधिक कच्चे पक्के मकान जलमग्न होकर तबाह हो गए हैं। सोयाबीन, मक्का, तुअर की फसल पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का नाव से यात्रा कर जायजा लिया और सरकार से सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान किए जाने की मांग की है। देखिए, कलेक्टर एसपी तो अभी भ्रमण करने आए हैं। घोषणा अभी उन्होंने कुछ भी नहीं की है। हमने ज़रूर इनसे निवेदन किया है, इन सारे गांव के नाम की सूची यहाँ दी है, मेल पिपला से लेकर विजल गांव तक, कि इन गांव का भ्रमण किया जाए, तत्काल सर्वे कराया जाए और मध्य प्रदेश शासन के आरबीसी के तहत पहले ही किसान क्षेत्र का मर चुका है, सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। पहले इल्लू ने मारा, फिर मतलब गर्मी ने मारा, फिर पानी ने मारा और अब ये भारी बरसात के कारण किसान बिल्कुल सड़क पर आ चुका है। इन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है और जिस प्रकार उन्होंने घोषणा की है 40,000 रुपये प्रति हेक्टर देने की, जब कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस सरकार को देना चाहिए, मेरा उनसे उन्हीं को बात कर दिलाते हुए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आसपास जितने लोग खड़े हैं क्षेत्र के, अधिकतम किसान है, कोई भी इसमें सेठ नहीं है, कोई भी व्यापारी नहीं है, इन सब की ओर से निवेदन है कि कम से कम 40 से 50,000 रुपये हेक्टर ज़्यादा इनको दिया जाना चाहिए।